Hey guys, क्या हाल चाल, वेलकम बैक एक और वीडियो के साथ ऑन लिमिटलेस इंडियन चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी जहाँ पर भी होंगे बढ़िया से होंगे। भाई आज की जो वीडियो की स्टार्टिंग है ना, डिफरेंट तरीके से करने वाला हूँ। जय जवान जय किसान। सो भाई आई एंड वी ऑल इंडियंस सपोर्ट फार्मर्स। भाई फार्मर्स अपने इंडिया में बहुत सारे हक्स के लिए लड़ रहे हैं, तो हम अपने व्लॉग के अंदर एक बारी उनको कह देते हैं कि भाई जय जवान जय किसान। और हर एक भाई जो भी ये वीडियो देख रहा है नीचे कॉमेंट में लिखो जय जवान जय किसान जय भारत। तो भाई इस टाइम पे हम थे TA के ट्रक स्टॉप पे। आने का भाई यही रीज़न था कि भाई सुबह सुबह फ्रेश हो जाएं। फ्रेश होने के बाद अब ट्रक स्टॉप से यहाँ पर लोग करा रहे हैं अपना डीजल फिल। हमारा तो ट्रक वहाँ पे खड़ा है, क्योंकि ये जो पेट्रोल पंप है ना, जिस पेट्रोल पंप पे इस टाइम पे मैं हूँ, यहाँ से हम डीजल नहीं भरवाते। पर कल रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, लेट होने की वजह से तो भाई साहब जहाँ पर जगह मिले बंदा ना वहीं पर सो जाता है। तो ये बहुत ही सुंदर एरिया है जहाँ पर हम इस टाइम पे हैं, इसका नाम है नॉक्सविल टेनेसी। पहाड़ देख रहे हो भाई, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। और कहते कुछ हो जाए ना हो, पहाड़ बहुत हैं। वो हमारा ट्रक खड़ा हुआ है, हैं? अरे बताया तो था पहले आपको कि हमारा ट्रक चेंज हो चुका है, हमने लाल से वाइट ट्रक ले लिया भाई वो भी ब्रांड न्यू। ये ट्रक बस 10,000 के आसपास चला हुआ है, जो कि सारा का सारा मैंने ही चलाया है। तो मैं कहा भाई आज वीडियो बना ले, बहुत दिन हो चुके हैं। और ये रहा भाई हमारा ट्रक। भाई साहब ट्रक तो ना दूर से ही कहते दूर से ही पहचाना जाता है। लग रही है कि नहीं लग रही गेम? करो बातचीत, महंगी बातचीत है कि नहीं? लो जी लो ये। तो देख रहे हो सुबह सुबह का दिन स्टार्ट करने से पहले भाइयों के साथ। और आज भाई बाहर से नहीं आपको दिखाया जाएगा, आज थोड़ा सा अंदर से भी दिखाएंगे। आ जाओ तो यहाँ से डोर अनलॉक कर लेते हैं। तो भाई साहब पैर झाड़ लो पहले, जब भी ट्रक के अंदर आओ है ना, उसके हम ट्राई करते हैं शूज उतार ही ले हैं ना। शूज उतारने में फायदे बहुत होते हैं, घर जैसी फील आती है। घर जैसी फील आने से पहले भाई स्टेयरिंग जो इसका ना थोड़ा ढंग से स्ट्रेट अप कर ले, अंदर भी कर देते थोड़ा सा। लो जी ये हमारा इंटीरियर है जी। अब ज़्यादा आप सभी का टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं ट्रक के अंदर। तो ये जी हमारा ट्रक अंदर से बेड, ये मैंने रजाई का यहाँ पे बढ़िया तरीके से ना बिल्कुल पोला पोला चादर की तरह यूज़ कर रखा है। कंबल सराहना यहाँ पे हमें मिल जाता, छोटा सा माइक्रोवेव। ऑलरेडी आपने मेरी एक आधी वीडियो में पहले भी देखा होगा, पर यार ये नया ट्रक है सो दिखाना तो बनता है ना। तो उसके नीचे अगर हम बात करें, एक एलईडी लाइट है, एलईडी लाइट जला दे तो भाई नीचे हमारा थोड़ा सा राशन कह सकते हो आप, बिस्किट्स काजू बादाम केले और अंडे। ये तो भाई ऐसी चीज़ है कि ये जहाँ मर्जी बैठो यहाँ पे बैठो, यहाँ से टेबल निकालो, यहाँ पर नीचे हमारा चूल्हा पड़ा हुआ छोटा सा वो रखो, अंडे बनाओ खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसी का दुखाना ना। तो भाई आज की वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं ड्राइवर सीट पे। और ड्राइवर सीट अगर आप देखना चाहते हो भाई ऐसी है, तो ये भाई गार्बेज करने वाला है, सो इसे गार्बेज करेंगे। ये ना सोचना कि भाई कप होल्डर को छोड़ के ये यहाँ पे क्या कर रहा है सो अगर आप देख सकते हो हमारा कॉकपिट ऐसा दिखता है ऊपर से हल्का फुल्का, तो भाई मैं हर एक लड़के के घर में कमरे में और गाड़ी में, तो चलो छोड़ो गाड़ी हम बहुत साफ रखते हैं, पर ये मेरा घर है तो भाई लड़कों के घरों में थोड़ा बहुत तो गंद चलता है ना। तो चलते हैं ड्राइवर सीट पे और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हाँ जी भाइयों, तो इस टाइम पे हम हाईवे पे आ चुके हैं। हाईवे पे आने के बाद ओ यार यहाँ कहीं ट्रैफिक ना मिल जाए। चलो वैसे तो आज यहाँ पे सैटरडे ही है, सैटरडे की वजह से मुझे लगता नहीं कि ट्रैफिक होगा, पर फिर भी अगर हुआ तो भाई देखी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। दिन बहुत बढ़िया आज, बाइक वाले भी आ रखे हैं आज तो बाहर हैं, 12-8 डिग्री टेम्परेचर है ये। टिक जा कहाँ टिकेगा तू, तेरे पास बाइक है, तू अमीर आदमी है ओ भाई चलो भाई चलो 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 जल्दी करो खींच लो, आज जा रहे हैं घर, लोड करा लिया है। ये नॉक्सविल टेनेसी, टेनेसी के अंदर USA के अंदर इस टाइम पे हम हैं और घर वापसी हो रही है। अब देख रहे हो ये गाड़ी वाला इस साइड में, ये गाड़ी वाला मुझे नहीं दिख रहा ढंग से, देख रहे हो ऐसे गलती कर जाते कई बार ट्रक ड्राइवर, देखते नहीं है इस जगह पे, ध्यान से नहीं देखते, अगला शीशा नहीं देखते, ये शीशा नहीं देखते। तो ये गाड़ी अगर मैं एकदम से राइट आ जाता, मुझे राइट लेन में आना है ना,
इंडिकेटर दूंगा, पीछे देगा, यहाँ देगा, आगे उसको देगा, धीरे से मर्ज हो जाएंगे। चलो जी, सभी हमें जीपीएस बता रहा है कि भाई आगे कर्व आएगी और हमें 640 जो ईस्ट बाईपास या शायद है ना, हमें वो लेना है कि 75, नहीं हमें 75 लेके बस निकल जाना है ऑल द वे अप नॉर्थ। और ये 75 जो हाईवे है ना जिस पे हमने जाना है, ये हाईवे वही हाईवे है जो ऑल द वे डिट्रॉइट जाता है, डिट्रॉइट मिशिगन। इंजन ब्रेक चला देंगे। चलो जी करो बातचीत, महंगी बातचीत। स्पीड 45 की हो रही है तो भाई कम कर लेते हैं, 45 माइल नॉट किलोमीटर। ये बड़ा स्यापा यार यूएसए का ना। चलो जी बिल्कुल धीरे से ना आ जाएंगे इस लेन में। डर ही लगता है यार ये ब्रिजों के नीचे जाते हुए कि मर मर आना जाए। देख रहे हो आज एकदम से आवाज चेंज हो जाती है, इंजन ब्रेक होती है। चलो जी अब थोड़ा सा ब्रेक, पैर वाली भी ब्रेक यूज करनी पड़ेगी क्योंकि जितने भी ट्रकर हैं कनाडा में यूएसए में, हम ज़्यादातर भाई इंजन ब्रेक यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे स्नो डलती है तो पैर वाली ब्रेक से स्लिप होने का ज़्यादा खतरा होता है। इसलिए अब देख रहे हो कैसे कैसे स्ट्रक्चर खड़े कर रखे हैं अमेरिका वालों ने, आग लगा रखी है पूरी। तो ये नॉक्सविल टेनेसी का ये एरिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे नॉक्सविल टेनेसी, भाई साहब हुड है यहाँ पे, गैंगलैंड है यहाँ पे, गैंग वॉर चलती है। अब इस लेन में रहेंगे अब क्योंकि वो ये लेन इस रोड से कनेक्ट हो रही है, तो हम पहली लेन में नहीं होंगे पिछली बार की तरह, इसी लेन में रहेंगे आराम से, कोई लेन चेंज करने का झंझट नहीं। अभी वो लाल ट्रक हमारे पीछे जो भाई आ रहा है भगाता हुआ निकलेगा, वो भाई जिसने हमें साइड दी थी कि आ जाओ राइट लेन में, भाई को थैंक यू करेंगे हम अभी जब भाई निकलेगा हमारे लेफ्ट से। पर अब वो स्लो हो गया है। अब वो धीरे हो गया है। ये भाई है सो लाल कलर का, बहुत ही बढ़िया और सुंदर ट्रक इसका, थैंक यू मेरे भाई। यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ एक बारी एक रात, वो मैकडॉनल्ड की पार्किंग लॉट में मैं सोया था ट्रक लगा के। जैसे मैंने आपको कहा था आप धीरे धीरे पहाड़ शुरू हो जाएंगे और आपको दिखाते रहेंगे नज़ारे, भाइयों बने रहो वीडियो के साथ। हाँ जी भाइयों, तो अब हम पहुंच चुके हैं अगले स्टॉप पे, इस साइड पे है पायलट का पंप जहाँ पे मैं वॉशरूम जाके आया हूँ, उसके साथ लेफ्ट साइड में हमारे मैकडॉनल्ड्स, उसे मिस कर दो, कैंसिल कर दो, कैंसिल लेकर स्टोर कैंसिल कर दो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रक खड़े हुए हैं मेरे भाई, सारे के सारे ट्रकर यहाँ पे खड़े हुए हैं पार्किंग लगा के, और मैंने भी अपना ट्रक जो है ना इन भाई साहब के परली साइड पे खड़ा कर दिया। और खड़ा करने के बाद प्लान अब यही है कि भाई ब्रेकफास्ट कर लिया जाए, सुबह सिर्फ चाय पिए हल्की सी, और अब प्लान ये है कि यहाँ पे लगा के बढ़िया ब्रेकफास्ट किया जाए और आपको दिखाया जाए कि जब ट्रक वाले जो कनाडा के और यूएस के ट्रक वाले अपने ट्रक के अंदर जो कुकिंग करते हैं वो कैसी होती है, तो उसके लिए आपको ट्रक के अंदर जाना पड़ेगा। आ जाओ। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और ज़रूरी काम होता है, उसके लिए हम इसे निकाल लेंगे बाहर। ये हमारा कुकिंग एरिया। और ये थोड़ा सा गंदा हो सकता है पर दैट्स ओके, यार लड़कों का जो खाने पीने का सामान होता है ना वो ऐसा ही होता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो इसे रख देंगे यहाँ पे, और इसकी ये टूची होती है, इसे यहाँ पे फिट कर देंगे। चल भाई, इससे कंट्रोल होता है हल्का सा, इसमें टिशू मार देंगे, टिशू अपने में पड़े हैं, टेंशन नहीं किसी चीज़ की, टिशू मार देंगे अच्छे से। तो अपना गैस हो चुका है चालू, चूल्हा लगा लो, इलेक्ट्रिक चूल्हा है, इसमें अंडे बनेंगे, और साथ में अपने फ्रिज में से ना एक तो हमें निकालने हैं हैश ब्राउन्स। तो ये हैश ब्राउन्स होते हैं भाई आलू, आलू साथ में हमें चाहिए गार्लिक ब्रेड, दो गार्लिक ब्रेड बना लेंगे, ठीक है जी। तो अब करना क्या है हमें, इस हैश ब्राउन को इसकी हैश ब्राउन की ले लेंगे, ठीक है जी, इतना हैश ब्राउन लेके डाल देंगे इसमें। सो ये कोकोनट ऑयल डाल रहे हैं जी हम अपने खाने के अंदर,
और ये बहुत अच्छा होता है। तो इसमें ये ना देखना कि आप थोड़ा ज्यादा डाल दिया या क्या गेम है ना, थोड़ा सा ना कम कर देंगे गैस को, क्योंकि इसने पूरे फ्राई कर देने हमारे आलू बहुत ही बढ़िया तरीके से। और जब हम इसके बाद हम इसमें अंडे डालेंगे ना, तो जो चीज़ निकल के आएगी बाकमाल। इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा तेल डाला, क्योंकि अंडे भी डालने हैं, फिर अंडे फ्राई करने हैं। सो इट्स लाइक चक्कर क्या है, हमारा जो ट्रक है ना थोड़ा सा ढलान में खड़ा है, इसलिए जो खाना है ना सारा उस साइड को जा रहा है। बट दैट्स ओके, हम एक काम करेंगे इसे बढ़िया ऐसे चौरस बना के ना, एक अच्छी सी गेम जितनी ज़्यादा बना सकते हैं अच्छे से, है ना। या यही हो सब, ये आलू की टिक्की की तरह बन चुका है। अब इसके अंदर डालेंगे दो अंडे, बहुत है आज के लिए। तो अंडा भाइयों दो भी नहीं, एक अंडे से ही हमारा सर जाएगा, आज का सैंडविच बन जाएगा बढ़िया और बहुत ही प्यार से, बहुत ही इज्जत से बना रहे हैं। तो भाई साहब हमारी आलू पैटी अंडे वाली, गार्लिक ब्रेड के दो पीस और साथ में हमारे स्क्रैम्बल्ड एग्स बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी होने वाले हैं। एग्स रेडी हो चुके हैं, हमारी हैश ब्राउन रेडी हो चुकी है, और बस ये थोड़े से हमारे जो ये भाई हैं ना, दोनों गार्लिक ब्रेड ये दोनों रेडी हो जाएं, फिर हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा प्रॉपर रेडी। देख रहे हो प्रॉपर बन चुका है, इसके बाद ये जल जाएगा। हाँ जी भाइयों, तो अपना खाना हो चुका है रेडी। अब कई भाई कहेंगे भाई आपने इनमें नमक नमक तो कुछ डाला नहीं, हमारे पास सब कुछ है। ज़रा एक मिनट दो, अभी निकालते हैं। सो हमारे पास नमक भी है, हमारे पास लाल मिर्च भी है, अनियन पाउडर भी है, गार्लिक पाउडर भी है। तो ओवरऑल सारा सामान है, कोई दिक्कत नहीं होती। भाई ये बात ये हो जाती है कि भाई अब कौन ढूंढे चलती वीडियो में और कौन निकाले, है ना। तो अब बहुत स्वादिष्ट सा ब्रेकफास्ट मैं फिनिश कर लूँ भाई, फिनिश करने के बाद करते हैं वीडियो कॉन्टिन्यू। हाँ जी, 110 पे ट्रक लगा हुआ है और आगे कंस्ट्रक्शन आ चुकी है। कहाँ पे जाके घर बनाया इन्होंने, नेक्स्ट लेवल चीज है भाई साहब। मोटो व्लॉगिंग तो और कोई कर लेता, ट्रक व्लॉगिंग। ओ मैन, चलो भाई मैं किसी को उल्टा नहीं बोल रहा, जस्ट टेक इट एज अ जोक, है ना। आजकल ये चीज बहुत हो चुकी है, टांगे खींचना बहुत करने लगे हैं लोग यार एक दूसरे की, है ना। कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, जान नहीं पहचान नहीं। सो हम वो नहीं करते, एक मजाक अपनी जगह पे है। सो भाई जो बंदे मोटो व्लॉगिंग के शौकीन है वो देखते हैं, जिन्हें वो अच्छी लगती है भाई आप वो देखो, जिन मेरे भाइयों को ये ट्रकिंग अच्छी लगती है वो आप ये देखो, और मैं तो कहूँगा आप दोनों ही देखो, ठीक है, क्योंकि दोनों ही बढ़िया हैं। मैं भी देखता हूँ, मैं भी दोनों ही देखता हूँ। तो ये नहीं होता कि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता यार, जो बंदा, सीधी बात है यार, कई बंदा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग कंटेंट बनाता है, कोई बंदा कोई कहता है कि यार मैं नॉलेज बांटूंगा, कोई कहता है कि मैं ये चीज़ करनी सिखाऊंगा। सो अलग अलग जोन होता है ना वीडियोस का। सो ये नहीं होता कि अगर किसी के भाई ज़्यादा मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं उनकी वीडियोस पे, लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं, तो वो कुछ गलत कर रहा है तभी आ रहे हैं। सो उनका जोन डिफरेंट है, राइट, उनका जो काम है वो डिफरेंट है। जैसे मेरा काम है ट्रकिंग, राइट, ट्रकिंग मैं यूट्यूब से भी ज़्यादा अच्छी कर लेता हूँ, राइट। तो पर ये नहीं है कि अगर मैं कहूँ, है ना, मेरी YouTube स्किल्स बहुत बढ़िया हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं, क्योंकि भाई हमसे परे से परे बैठे हैं लोग, 20-20 मिलियन, 25-25 मिलियन, 50-50 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुँच चुके हैं, बिलियन बिलियन व्यूज़ हैं उनके। सो हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं, मैं तो अपने आप को कुछ नहीं समझता भाई, पर हाँ दैट डजंट मीन कि हम कोशिश करना छोड़ दें। जैसे कि अब ये हिल चढ़ रहे हैं हम, है ना, बहुत बढ़िया व्यू है उस साइड, सारे पहाड़ दिख रहे हैं। यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, पर मोस्ट लाइकली अगली गर्मियों तक ये कंस्ट्रक्शन डन हो जाएगी। ये आई थिंक सीवेज वगैरह डाल रहे थे यहाँ पे हाईवे की, क्या ताकि जब स्नो पड़े, बारिश पड़े, तो पानी, जो पानी की जो निकासी है ना, वो पहाड़ों से यहाँ को निकल जाए, नहीं तो सारा तालाब यहीं बनता है। तो देख रहे हो हिल से कैसे लोग उतर रहे हैं, कैसे लोग चढ़ रहे हैं। तो ये इजी जॉब नहीं है, जॉब थोड़ी सी हार्ड है, पर स्किल लगती है। आप कुछ साल चला लेते हो, 4-5 साल हो गए हैं मुझे भी चलाते हुए
ट्रक 4 साल, हाँ 4 साल हो गए मुझे ट्रक चलाते हुए। सो 4 साल के बाद आपको कई चीज़ें समझ आ जाती हैं, कई तरीके समझ आ जाते हैं किस सिचुएशन में कैसे डील करना है, किस में कैसे डील नहीं करना। सो यही चीज़ें होती हैं यार, बाकी किसी को गिराना नहीं चाहिए, ठीक है। कहते हैं ना, बड़े कहते हैं कि जेलसी, सड़न भाव, जलन बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है, वो भाइयों में फीक डला देती है, राइट, भाइयों को भी तोड़ के अलग कर देती है। तो जलन जेलसी से बचो, आगे बढ़ो जैसे हम बढ़ रहे हैं। हम तो बढ़ नहीं रहे भाई, हम तो चढ़ रहे हैं, उस भगवान की दया है, भगवान की दया है, ऊपर वाले की मेहर है। तो ये लेफ्ट लेन में पाजी इतने स्लो के हो गए हैं, ट्रक्स यूज लेफ्ट लेन, ठीक है सर, ओके सर, जी जनाब। तो ये पहाड़ चढ़ चुके हैं, अब जाने की बारी आएगी नीचे को। और यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रही है, स्लो हो रखे हैं भाई, आगे एक ट्रक जा रहा है, काफी स्लो है वो। तो अगला गोल 1 मिलियन सब्सक्राइबर का अपना, बात यहीं पे खत्म हो जाती है, कोई नहीं, जैसे चल रहा है जैसे चल रहा है चलने दो। पर अगला गोल 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। हाँ जी भाइयों, फाइनली पहुंच चुके हैं लव के ट्रक स्टॉप पे, ग्रीन लाइट हो चुकी है और यहाँ से, अरे यहाँ तो तू बोल ले, यहाँ तो मुझे बोल लेने दे, यहाँ से आधे किलोमीटर दूरी पे है लव का ट्रक स्टॉप, जहाँ से अब इसमें अपने हाथी में डीजल फिल कराएंगे और ट्रेलर में भी, क्योंकि ट्रेलर का जो फ्रिज है ना वो कल क्या परसों से चल रहा है, परसों लास्ट टाइम तेल डलवाया था तो अभी तक डीजल उसमें फिल नहीं करवाया, आधे से कम हो चुका है। सो करवा लेते, मैं कहा यार फ्री हो जाएंगे उसके बाद, अबे चल लो फोन बाद में चला लेना। सो अब बस ये है कि जल्दी जल्दी यहाँ से फ्री हों, पर यार शायद मुझे शावर भी ले लेना चाहिए यहाँ पे ना, शावर ले लें उसके बाद अपना खींचेंगे ट्रक। तो ये अगली राइट लेंगे अब यहाँ से, चलो जी, ये है जी लव का ट्रैवल स्टॉप, ट्रक स्टॉप कुछ भी कह सकते हैं इसे आप। तो यहाँ पे अब हम डीजल फिल कराएंगे, कॉफ़ी वगैरह उठाएंगे, फिर अपनी ट्रिप को करेंगे कंटिन्यू। साथ में मोटल भी है, अगर यहाँ पे ट्रक लगा के सोना चाहते हो, एक दिन रहना चाहते हो, रह सकते हो। रिपेयर शॉप है, टायर शॉप, ऑयल चेंज, सब कुछ यहाँ पे करा सकते हो। पार्किंग मुझे लगता था यार यहीं कर लगा लेनी चाहिए थी, पर तेल डलवा लें, तेल पहले डलवाना ज़रूरी है। सो इस साइड की तो सारी की सारी ब्लॉक कर रखी हैं, ऑलरेडी लोग तेल डलवा रहे हैं, सो हमें आगे जाना पड़ेगा। यहाँ लगा लेते हैं, इसे काम करते हैं ना, यहाँ पे लगाते हैं आराम से। सो यहाँ पे अब हम डीजल फिल कराएंगे। सो यहाँ पर एक तो होता है डीजल, एक होता है डेफ, तो डेफ का टैंक होता है यहाँ पे इस जगह पे, डीजल के होते हैं दो टैंक, एक यहाँ पे एक वहाँ पे, और ये जो हमारा फ्रिज है ट्रेलर का, उसका होता है फ्रिज, ये रहा फ्रिज कह रहा हूँ, सॉरी टैंक ये रहा डीजल का, और डीजल यहाँ पे चेक कर सकते हो आप। सो ये ट्रक स्टॉप है जहाँ पर आप आके अपना डीजल डलवाते हो, दोनों साइड डीजल डालने के लिए आपको नोजल मिल जाती हैं, और डीजल फिल कराने के बाद जब आपने अपना डीजल फिल करा लिया है उसके बाद आप आगे पार्क करके अंदर जा सकते हो। तो अब हम अपने ट्रक के अंदर डीजल डलवाएंगे, चलो अब डीजल डलवाते हैं, इसे जरा कर देते हैं बंद। कार्ड डालने के बाद ये हमसे हमारा लव का कार्ड मांगेगा,
वो डाल देते हैं। सो पॉइंट्स कार्ड डालने के बाद ये पूछ रहा है सिर्फ ट्रैक्टर में डलवाएंगे हम डीजल, ये जो डेफ है ये हमें नहीं डलवाना, नो। उसके बाद यूनिट नंबर जो कि हमारे ट्रक का नंबर होता है वो हम लिख देंगे इसमें। तो उसके बाद पीओ नंबर मैं नहीं डालता, ट्रेलर नंबर डाल देंगे। ट्रेलर नंबर डाल दिया, उसके बाद आप उधर देखो जरा, मैं ड्राइवर आईडी डाल दूं। ड्राइवर आईडी डल चुकी है, नो एडिशनल प्रोडक्ट, और कुछ नहीं हमें डलवाना। अंदर जाके हमें रसीद चाहिए, यस। एक और भाई आ चुका है डीजल डलवाने के लिए, एक ने डलवा लिया, वो आगे लगा चुका है। अब अपना प्लान ये है कि भाई साहब हमें उस साइड का दरवाज़ा खोल के ना वहाँ से एक तो थोड़ा सा कूड़ा फेंक देते हैं, यहीं पे आपको गार्बेज बिन मिल जाते हैं भाई, गार्बेज बिन में अपना कूड़ा फेंको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हमारे पास ग्लासेस पड़े थे हमारे छोटे छोटे, ये हम फेंक देंगे यहाँ पे, गार्बेज कर देंगे, कूड़ा हो ही जाता है यार, कुछ भी कर लो। लो जी ये सारा चला गया गार्बेज, अपने पास थैलियाँ भी पड़ी हैं, पर ये थोड़ा सा ही था इसलिए मैंने ऐसे ही है ना, फिर मैं चलने दो। ट्रक कैसा लग रहा भाई का, सच सच बताना, अगर बढ़िया लग रहा वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब मारो, लिमिटलेस इंडियन। तो भाइयों डीजल अपना चालू हो चुका है, इसे कर देंगे आप तो यहाँ पर देंगे खोल। चलो भाई ये -10 पे लगा रखा हमने, चाहे डेड बॉडी स्टोर कर दो इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। लो जी दोनों लोग चालू कर दी हैं, उसके लिए गेड़ी मार के आएंगे ट्रक के आसपास, चेक करेंगे भाई कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रखी। टायर्स देख लेते हैं एक बारी, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी बारी हुआ है, मैं डीजल डलवा रहा होता हूँ, मैं पीछे आके देखता हूँ टायरों को, एक आधा टायर होता है पंचर। सब कुछ ओके है, लाइट्स अभी हमने ऑन नहीं कर रखी, सील इंटैक्ट है, इसका मतलब लोड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। उसके अलावा ये लो जी, चलो जी भगवान की दया के चारों टायर ओके हैं। ट्रैक्टर के तो मैंने चेक कर रहे हैं, ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब डीजल डल रहा है, उसके बाद हम चाहें तो थोड़ी बहुत शीशे की सफाई कर लेते हैं। वैसे तो कल बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, ज़रूरत है नहीं, फिर भी वीडियो के लिए एक मार देते हैं थोड़ा सा हाथ, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि यार डीजल डलवा रहे हो, यहाँ पे खड़े हो, कोई दिक्कत नहीं है, डीजल डलवा लिया है, पार्क वहाँ पे करो। सो वो चीज़ बेस्ट होती है। जैसे ये भाई आया, ये यहाँ पर लगा के भी अंदर जा सकता था, भाई इसने यहाँ पे लगाने की जगह यहाँ पे पार्क किया, सो जो कि बेस्ट चीज़ होती है, राइट। तो हम भी देखें भाई क्या चल रहा है, क्या बन रहा है। हाँ मैं आज स्लो चल रहा है, ये $200-250 का डीजल डल चुका है, देख रहे हो प्रेशर। तो यहाँ पे पानी भी आपको मिल जाता है अगर आपको ज़रूरत है, जो कि हमें इस टाइम नहीं है। कई बंदे होते हैं उन्होंने बर्तन वगैरह धोने के लिए पानी चाहिए होता है, वो वहाँ से ले सकते हो। और भाई ट्रक स्टॉप के तो नज़ारे ही अलग है ना, बढ़िया लग रहा है ना। ये देख लो ग्लव्स काले हो रखे हैं डीजल डलवा डलवा के, पर ये होता है कि अंदर से ओके है काम। इस साइड की जो नोजल है बंद हो चुकी है, लो जी ये उठा के भरेंगे अब।
धीरे 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 आगे बढ़ाएंगे। लो जी, नोजल तक पहुंच गया हमारा ट्रक और ट्रेलर। ब्रेक खींचेंगे और आ जाओ नीचे, ग्लव्स फिर से जाइए। इसे खोल देंगे, ये खुल गया, आप नोजल लेंगे। चल भाई, डाल देंगे अंदर। सो अराउंड ट्रक में और ट्रेलर में अभी तक हम अराउंड 25,000 रुपए का डीजल डलवा चुके हैं अभी के टाइम के हिसाब से। सो इसीलिए ये दोनों चीज़ें, ये घोड़ा गाड़ी लेके घूमना चीप नहीं है। हाँ जी भाइयों, सामान उठा लिया, मास्क पहन लिया और अब हम जा रहे हैं शावर लेने के लिए। ट्रक को कर देंगे लॉक, सेंटर लॉकिंग भी है भाई साहब इसमें, फ्रेट लाइनर जिंदाबाद। ये मेरा फेवरेट ट्रक है, वन ऑफ दी फेवरेट ट्रक मेरा ये वाला है, क्योंकि ये शॉर्ट नोज है, अंदर से बहुत खुला डुला है भाई साहब, मैनुअल है। मैनुअल ट्रक मैनुअल ही होते हैं, मेरे वाला ऑटोमेटिक है, तो इस लाइक अ कार, जैसे हम कार चलाते हैं ना, ये ट्रक वैसे चलता है। ये देखो भाई साहब, हल्के में ना लेना इनको, ब्रांड न्यू ट्रक लेके आ रहे हैं स्केल पे। ये यहाँ पे एयर भी मिल जाती है आपको, अगर भाई हवा हुआ डलवानी हो ट्रक के अंदर वो भी आप डलवा सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे भाई लगे हुए हैं। चलते हैं। सही है भाई साहब, स्विफ्ट ट्रक वाले, ट्रक का देख लो क्या हाल कर रखा है, ये बहुत बदनाम है अपने उसमें लोगों के। और आप मानोगे नहीं, यूट्यूब पे वीडियो डाल लेना, एवरी अदर वीडियो ट्रक रैक की, ट्रक मेल फंक्शन की, गलत ट्रकिंग के एग्जांपल की, इन्हीं कंपनी के होते हैं। तो भाई चलते हैं अंदर और शावर ले लेते हैं अपना, शावर लेने के बाद अपनी ट्रिप करेंगे कंटिन्यू। फिर अब तो भाई प्लान यही है कि सीधा रुकेंगे जाके यूएस बॉर्डर पे, कनाडा बॉर्डर पे, और कनाडा में करेंगे एंट्री।